नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मंत्रिमंडल विस्तार को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कुर्सी का खेल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से बगावती सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कई दल अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सांसद नाराज हैं कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनना था, लेकिन आप उन्हें राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बनाते हुए नजर आते हैं। कहीं नाराजगी है कि कैबिनेट में आपने जगह ही नहीं दी है, तो ये नाराजगी इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि विधायकों और सांसदों संग बैठक करने पर मजबूर भारतीय जनता पार्टी के ये दल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक तरफ एनसीपी यानी कि अजीत पवार की, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतती हुई नजर आई थी उनकी पार्टी, और इसी एक सीट के बलबूते पर उन्हें यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अजीत पवार के गुट से प्रफुल्ल पटेल ने राज्य मंत्री बनने से, स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री बनने से इनकार कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मैं इससे पहले भी कैबिनेट में मंत्री रह चुका हूं, तो फिर मुझे इस बार स्वतंत्र प्रभाव से मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। ये नाराजगी जाहिर करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने ये मांग को ठुकराया और अजीत पवार की पार्टी के पास कोई भी मंत्रालय नहीं पहुंचा, कोई भी मंत्री बनता हुआ नजर नहीं आया। वहीं एकनाथ शिंदे, जो लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे, उनकी पार्टी में से एक सांसद को मंत्री बना दिया जाता है, जिसका नाम प्रताप राव यादव है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ भी नाराजगी शुरू हो चुकी है कि जगह कैबिनेट में नहीं दी जा रही है, जगह आप राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बना रहे हैं, जिसे हम मंजूर नहीं करते हैं, अपनी सहमति नहीं जताते हैं। नाराजगी बढ़ती हुई नजर आती है। और इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के जो सांसद है श्रीरंग बार ने, वो यहाँ पर मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आएंगे। यानी कि महाराष्ट्र में अब एक तरफ बैठक है, मनाने की कोशिश है, लेकिन क्या इसी बीच में महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जैसे कि बातचीत यहाँ पर पहले भी हो रही थी कि अजीत पवार गुट से लगभग 10 से 15 विधायक नाराज होकर शरद पवार के संपर्क में आ रहे हैं। नाराजगी एकनाथ शिंदे के सांसदों और विधायकों की भी थी जो उद्धव गुट के संपर्क में है। अब ये नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहाँ एकनाथ शिंदे अपने घर पर सांसदों के साथ और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सांसद सीधे तौर पर विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय बंटवारों को लेकर। क्या लगता है यही वजह महाराष्ट्र में कुर्सी गिराने की बनती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से एनडीए को मात मिली है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की उन सीटों पर जहां से एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेतृत्व तो जो गठबंधन है उसको उम्मीद थी कि इन सीटों पर जो है कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, और महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक अलग समीकरण को साधती हुई नजर आ रही है। और देखिए कि जिस ढंग से अजीत पवार की नाराजगी सामने आ रही है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, आप देखिए कि जनता जो है इस बात को बखूबी समझ रही है कि कौन उद्धव ठाकरे और कौन असली एनसीपी है। आप देखिए कि जिस ढंग से एनसीपी अजीत पवार गुट की हार हुई है, यूं कहें कि एक ही सीट मिली है, और वहीं शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी उसने कई सीटों पर जीत दर्ज की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या यूं कहें कि जो समर्थक है, वो कहने की इस बात को समझते हैं कि जनता जो है वो शरद पवार की तरफ शिफ्ट हो गई है और अजीत पवार का उतना प्रभाव है नहीं। और अजीत पवार अगर एक सीट जीते हैं तो मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के होने की वजह से जीते हैं, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की भी कहीं ना कहीं हार हुई है, उसके बाद से देखा गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे से ज्यादा जीत दर्ज कर पाती है, और यही वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
जो कि जनसभाओं में साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो नकली एनसीपी वाले हैं, नकली जो है शिवसेना वाले हैं। तो जनता ने मुझे लगता है सबक सिखा दिया है और आने वाले समय में आप देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं, अजीत पवार के जो विधायक है, और जो एकनाथ शिंदे के विधायक है वो भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के संपर्क में। अब जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विधायकों का इधर से उधर होना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर लाकर खड़ा कर सकता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में अपने बयान के जरिए कहीं ना कहीं तूल देने का काम करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हो रहे सियासी बवाल के बीच में बयान सामने आया है, देखिए जरा। एनडीए की नई सरकार में एनडीए के नए पार्टनर अजीत पवार राष्ट्रवादी गुट को कैबिनेट मंत्री देने से मना कर दिया। इसे दो बातें साफ तरीके से सामने आई है कि प्रफुल्ल पटेल जी ने उनका व्यापार साध लिया, अजीत पवार जी राजनीति नहीं साध पाए। ये सीधा सीधा मैसेज जो है वो सामने आया और रोहित पवार जी ने सही कहा है कि अभी उनके अस्तित्व पे जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि ये रहेंगे या इन्हें बीजेपी की तरफ से लड़ना पड़ेगा, ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। हमारे हिसाब से जैसी करनी वैसी भरनी ये हुआ है, यहाँ धोखा दिया तो हाथ धोखा तो खाना तय था। अब यहाँ पर ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि बैठक उद्धव गुट की भी है। यहाँ पर सुराज आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे भी सांसदों और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। क्या उद्धव ठाकरे का बैठक करना इस ओर इशारा करता है कि उन्हें इस बात की भनक लग गई है कि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, सांसदों के साथ बैठक करने वाले, अजीत गुट में नाराजगी है, तो यही समय है कि अगर हम साधने की कोशिश कर लें और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए अगर हमें कदम उठाना है तो यही समय उचित है। इसलिए विधायकों के साथ और सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम तरह की बैठकें अलग अलग पार्टियों की ये साफ तौर पर दर्शाती है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीति है उसमें नाजुक स्थिति बनी हुई है और उद्धव ठाकरे इस बात को बखूबी समझते हैं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो घबराहट है वो उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। यही वो बड़ी वजह है कि अब वो लगातार अपने विधायकों को संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ बैठक करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के संपर्क में जो कह सकते हैं एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं संपर्क में बताए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने तुरंत बैठक बुलाई। आप सोचिए कि अगर एक आध विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो मुझे लगता है जैसे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही दल के अगर इधर से उधर विधायक होते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो गुट है या एकनाथ शिंदे की जो गुट है उसको उतना महत्व ना दे, क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने ज्यादा सीटें जीती नहीं है और अगर ये एनडीए से बाहर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान जो है वो केंद्र में भी नहीं देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा उलटफेर फिर से हमें देखने को मिल सकता है। देखिए अब यही देखना होगा कि एक तरफ उद्धव गुट के विधायकों और सांसदों संग बड़ी बैठक होना तो वहीं एकनाथ शिंदे का अपने ही आवास पर सांसदों के साथ और विधायकों के साथ बैठक करना, ये दर्शाता है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिस दावे के साथ कहती हुई नजर आ रही थी कि असली चेहरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब वही चेहरे बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे कि क्या कुर्सी खतरे में आ चुके हैं, क्या अजीत पवार खुद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।